सवाल नंबर एक, फ्लिपकार्ट का असली मालिक कौन है? सही जवाब, फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल ने की थी, लेकिन अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीद ली। सवाल नंबर दो, रावण की लंका श्रीलंका में कहां पर है? सही जवाब, रावण की लंका या महल श्रीलंका की तत्कालीन राजधानी लंकापुरी के त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर स्थित है। सवाल नंबर तीन, क्या लगान मूवी रियल स्टोरी पर बनी है? सही जवाब, जी नहीं, आमिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था लगान फिल्म का किसी सच्ची कहानी से कोई संबंध नहीं है। आशुतोष ने आमिर खान के कहने पर 7 बार फिल्म की स्क्रिप्ट को चेंज किया था। सवाल नंबर चार, फिल्म में शुरू होने पर दिखाए जाने वाला यूए सर्टिफिकेट क्या होता है? सही जवाब, यूए का मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड विद कॉशन होता है, यानी कि यह फिल्म 12 साल से कम उम्र के व्यक्ति अपने माता पिता के मार्गदर्शन के साथ ही देख सकते हैं। सवाल नंबर पाँच, क्या राहुल गांधी का जन्म भारत में नहीं हुआ था? सही जवाब, एक दस्तावेज के मुताबिक राहुल गांधी का जन्म नई दिल्ली के हॉली फैमिली हॉस्पिटल में 19 जून 1970 को हुआ था। अस्पताल के रजिस्टर में उनका नाम पता सब दर्ज है। सवाल नंबर छः, ऑल आउट और गुड नाइट के पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सही जवाब, ऑल आउट और गुड नाइट के पानी को इंग्लिश में मस्कीटो रिपेलेंट्स कहते हैं। सवाल नंबर सात, कान खुजूरा कान में चला जाए तो क्या होगा? सही जवाब, कोई भी जीवित कीट जैसे कान खुजूरा या कॉकरोच आपके कान में अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि कानों से मस्तिष्क तक कोई भी रूट नहीं है। अगर कोई कीट चला जाए तो कुछ मिनट प्रतीक्षा करें या आराम करें, उसे मारने की कोशिश न करने से वो बाहर आ जाएगा। अगर दर्द या बेचैनी हो रही हो तो ENT डॉक्टर के पास जरूर जाएं। सवाल नंबर आठ, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सैलरी कितनी है? सही जवाब, प्रधानमंत्री जी की बेसिक सैलरी ₹50,000 है, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹45,000 है, यानी कि कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी की सैलरी ₹1.6 लाख है प्रति महीने की। सवाल नंबर नौ, सीता माता लंका में कितने दिनों तक रही? सही जवाब, श्लोक के अनुसार सीता माता हनुमान जी से कहती हैं कि 10 महीने बीत गए हैं और इसके 2 महीने बाद ही रामायण का युद्ध हुआ था, अर्थात सीता माता 11 से 12 महीने कैद रही थी। सवाल नंबर 10, भारत में परमाणु बम का कोड और हमले का अधिकार किसके पास होता है? सही जवाब, भारत के परमाणु बम का कोड और उसका अधिकार NCA यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का होता है। कोई भी परमाणु परीक्षण, हमला और कंट्रोल के लिए NCA जिम्मेदार होती है। NCA का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, जिसका संचालन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। दोस्तों, हम आपके लिए इंग्लिश में GK लाए हैं। जिन लोगों को इंग्लिश में GK देखना पसंद हो, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जरूर देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।